Hello everyone, you are watching LSE Study. I am giving presentation and use of tense. And tense ke teen prakar hote hain. First present tense and second past tense or third future tense. And present tense ke char prakar hote hain. Jaise present indefinite tense and present continuous tense or present perfect tense or present perfect continuous tense. Present indefinite ki identity hai jaise vakya ke ant mein ता है, ती है, ते है, आदि का प्रयोग रहता है जिससे आप समझ सकते हैं. और इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें फर्स्ट एग्जांपल राम बुक पढ़ता है. राम क्या है? सब्जेक्ट. और पढ़ता ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ता रीड और इसमें एस लग गया ये हेल्पिंग वर्ब. एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक. राम रीड्स बुक. इसका नेगेटिव बनाएंगे इसमें नॉट लग जाएगा नेगेटिव में. राम डज नॉट रीड बुक. और इसका इंटरगेटिव में डज सामने आ जाएगा. फर्स्ट में डज राम हेल्प रीड और ऑब्जेक्ट में बुक है. डज राम रीड बुक एंड क्वेश्चन मार्क. और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में इसमें सिर्फ डॉट लगा लेते हैं लास्ट में हेल्प वर्ब के बाद. इसमें डज राम नॉट बी हेल्प फॉर हमारा रीड ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा. रीड बुक और क्वेश्चन मार्क. इसमें एक वचन से आप पहचान सकते हैं जिसमें डज और जिसमें सिंगुलर में यू वी दे से पहचान में आ जाएगा. और बहुवचन में डू जो प्लूरल में नहीं सिंगुलर में ही सी इट इज ही और प्लूरल में जैसे यू वी दे इससे समझ सकते हैं. मैं सेकंड एग्जांपल बता रही हूँ. वह पत्र लिखता है बताना हो. भी क्या सब्जेक्ट है? भी और हेल्पिंग वर्ब लिखने का राइट. इस राइट पे इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस एस आई एस इसमें राइट्स एस लग जाएगा यस. और फिर ऑब्जेक्ट हमारा पद ही राइट्स लेटर. और इसी का नेगेटिव बनाएंगे कैसे बनेगा? ही ये सिंगुलर है. ही डज डस के बाद नॉट लग जाएगा. ही डज नॉट राइट फिर फर्स्ट फॉर्म राइट लेटर. और इसी का इंटरगेटिव डज ही राइट लेटर एंड क्वेश्चन मार्क. इसका ये समझ में आ गया ना? हाँ. इसमें एस एस आई एस लगाया जाता है एक वचन में डज और बहुवचन में डू. समझ में आ गया? अब मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसकी आइडेंटिटी है जैसे वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं आदि से पहचान किया जा सकता है ना. आदि इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल
वह गाना गा रही है. तो कैसे बनेगा बताइए. ये क्या है, हेल्पिंग और वर्ब वह है तो ही आएगा. और गाना गा रही है सिंग, सिंगिंग ही इज, हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा है ना. ही इज सिंग, इसमें आई एन जी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है तो इसमें आई एन जी लग जाएगा. ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग. अब इसी का नेगेटिव, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग है ना. और इसी का इंटरनेटिव बनाते हैं तो इज फर्स्ट में आएगा इज ही सिंगिंग. बाकी चेंज नेक्स्ट. अब मैं बता रही हूँ तीसरा प्रेजेंट.